नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल एंड वीबीए मैक्रो। दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं। शाम के 8 बज रहे हैं और मेरे साथ कुछ बच्चे ज्वाइन हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, और आज हमारी वीवीए मैक्रो की पहली क्लासेज है। तो देखिए, हम आज इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग पे, और आप लोग भी चाहो तो हमारी एक लाइव क्लास ले सकते हैं गोटू मीटिंग सॉफ्टवेयर से। आप चाहो तो डेमो क्लास करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोज की जो लिंक है, जो अपडेट है, वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन वीडियो वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और सबसे पहले मैं आपको वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, और उससे पहले हम आपको एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने एक्सेल के ऊपर अपने होमवर्क और प्रोजेक्ट्स करने में काफी लापरवाही की थी। लेकिन मैं वीवीए में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने होमवर्क्स और अपने जो रिसर्च है वो टाइम टू टाइम करते रहे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक्सेल से फैमिलियर थे, आप एक्सेल काफी दिनों से, काफी सालों से यूज कर रहे थे, और एक्सेल में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको थी। तो आपने मेरी रिकॉर्डिंग से या फिर मेरी क्लासेस से रिकवर कर लिया। बट वीवीए आप लोगों के बिल्कुल नया है, तो अगर इस पे आप इसकी प्रैक्टिस और रिसर्च पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसे मैथमेटिक्स की तरह आपको अच्छे से अच्छे फॉर्मेटिंग, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस और अच्छे से अच्छे रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले ही चीज नोट करें। दूसरी, आप अपने पास एक मोटा सा डायरी खरीद लीजिए। आपके पास में रजिस्टर या डायरी नहीं है तो रजिस्टर और डायरी खरीद लीजिए। मैंने हर एक कोड को, हर एक मैक्रो प्रोग्राम को जो मैंने बनाए हैं या आपने बनाए हैं, उसके हर एक की कोडिंग आप नोट जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो नोट पैड होना जरूरी है। ठीक है, आपको इसकी कोड्स मिलेगी डेली। जो भी हम वीवीए प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे, कोड आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम वीवीए, अभी हमने एक्सेल में आपको चीजें बताया। एक मिनट मुझे फिनिश करने दीजिए विकास जी। अभी तक जो है हमने एक्सेल के मेनू बार के मोस्टली फीचर्स एंड मोस्टली फॉर्मूले की इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीजें पिछले 2 महीने में आप लोगों ने सीखा, बहुत ही चीजें, नई नई चीजें और इंटरेक्टिव एंड ऑटोमेशन के लिए आपने सीखा। तो वो चीजें जो थी वो माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ड फंक्शंस था। माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ड करके आपको दिया था, चाहे आपने वीलुकअप पढ़ा, चाहे आपने मैच पढ़ा, चाहे पिवट पढ़ा, चाहे चार्ट पढ़ा, या फिर नेम मैनेजर्स के जरिए डायनेमिक किया, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ड फीचर थे जिसको आपने अप्लाई किया अपने तरीके से। अब वीवीए की जरूरत कब पड़ती है कि हमारे पास कुछ ऐसा वर्क आ जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका सोल्यूशन एक्सेल के पास नहीं होता है, या होता है तो काफी लेंदी प्रोसेस से होता है। तो उस समय हम अपने लिए वीवीए प्रोग्रामिंग के मदद से अपने लिए वो फीचर्स क्रिएट कर लेते हैं, राइट? तो पहली क्राइटेरिया ये होती है वीवीए को यूज करने के। अब बात होती है कि वीवीए हम किन केसेस में यूज करें। ठीक है, देखिए वीवीए के दो चीजें, एक हमारा आता है अकॉर्डिंग द वर्क, और दूसरा आता है अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट। तो हम चलिए अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर कोई माइक्रो प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसी चीज आप अपने लिए बना रहे हैं, अपने रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए बना रहे हैं, अपने इसके लिए कि मेरे पास ही रहेगा, जैसे कि मैंने अभी एक करेंटली यूज किया मेलिंग का,
हमने अभी आप सबों को मेल करना था, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके जस्ट कंट्रोल एम प्रेस किया और आपको मेल चला गया। तो मुझे ये मेरी खुद की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो जहां पे आपकी खुद की जरूरत है कि आप खुद उसको यूज करना चाहते हो, तो आप धड़ल्ले से वीडियो मैक्रो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उस केसेस में जब आपके पास वीडियो मैक्रो प्रोग्रामिंग वाली फाइल जो है आपकी, जिसमें आपने वीवीए की मैक्रोज बनाया है, फंक्शन बनाया है, यूजर फॉर्म बनाया है, वो आपको दूसरे को शेयर करना है, किसी बॉस को या किसी पर्सन को या बहुत सारे लोगों को आपको भेजना है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे लास्ट पोर्ट की होनी चाहिए वीवीए मैक्रो। आप वो सारे प्रॉब्लम को एक्सेल पे सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्सेल पे बनाने की कोशिश करें, वीवीए का फीचर ना लें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट वीवीए हर फीचर के अंदर में वीवीए माइक्रो अनेबल नहीं होता है। मतलब कि अगर हम माइक्रो सेटिंग के अंदर जाएं, तो माइक्रो सेटिंग के अंदर में हमारा यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल ऑल माइक्रोस विद नोटिफिकेशन होता है, डिसेबल ऑल माइक्रो विद नोटिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि हमारी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है डिसेबल होती है, मतलब कि किसी को माइक्रो वाली फाइल भेजूं और वो माइक्रो यूज ना करता हो तो उसके पास यहाँ हमेशा एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगा अनेबल माइक्रो। कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, बात समझे राम जी? तो उससे क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसे फीचर्स लगा के भेजे किसी के पास और उसका माइक्रो डिसेबल है, तो यूज ही नहीं कर पाएगा माइक्रो प्रोग्रामिंग ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप किसी और किसी को भेजना चाहते हो, आप कोई वीए प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके जानता है, एक्सेल को अच्छी तरीके जानता है, एक्सेल में उनके उसका इंटरफेस अच्छा है, तो वो क्या कर सकता है, तो उसको आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीवीए बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं, उनका काम रिपोर्ट खोलना देखना और बंद करना, तो वो तो देख ही नहीं पाए। तो हमें कोशिश रहेगी कि जो फाइल हम शेयर करते हैं किसी अनोखे पर्सन के साथ, अपने अपने कलीग के साथ, अपने बॉसेस के साथ, क्लाइंट के साथ, वैसे फाइल में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज ना करें। लेकिन अगर आपको लास्ट में देखें नहीं यार नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, तो आप कीजिए, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई अनेबल मैक्रो कर लो, तो इसलिए दिक्कत होती रहती है। तो एज पर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया वीवीए मैक्रो कब यूज करना है। आप अपने लिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और के लिए बना रहे, शेयरिंग के लिए बना, ऐसे फाइल बना रहे जो शेयर करना है, तो हमारे लास्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। एक क्लियर हो गया। अब दूसरी एग्जाम्पल आता है कि वर्क के अकॉर्ड। देखिए कुछ ऐसा काम जो आपको हर दिन में कई बार करना होता है या हर दिन करना होता है और उसके लिए काफी टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, उस केसेस में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अब एक ऐसा काम आया जो कि आज के लिए एक बार के लिए आया हुआ है, इन फ्यूचर में आएगा चाहे नहीं आएगा, एक सब डेटा की समरी निकाल के देनी है, तो उसके लिए हम वीवीए माइक्रो की प्रोग्रामिंग की कोड शोट लिखेंगे, उतना टाइम वेस्ट करेंगे, उस अच्छा है कि पीपर में लगाकर भेज दें। लेकिन उसी काम को मुझे हर दिन में कई बार करने है या हर दिन करना है, तो उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग राइट करेंगे ताकि हम टाइम सेविंग कर सकें। उसको बोलते हैं रिपीटेड वर्क। वीवीए माइक्रो का यूज करने की पहली प्रायोरिटी होती है रिपीटेड वर्क। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे दिन भर में 15, 16, 17, 18 मेल करने पड़ते हैं, और मुझे हर बार अगर मैं इस माइक्रो को यूज ना करूँ तो हर बार मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, जीमेल में, हर बार मुझे करना पड़ेगा लॉगिंग करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा, मेल आई डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, और फिर क्या बोलते हैं उसको बॉडी मेल डालनी पड़ेगी, फिर मेल करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए माइक्रो बना लिया। हम जिस मेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो मेल आईडी सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस कंट्रोल एम, या फिर हम डेवलपर में माइक्रो बना रखा है मेल का, मेल का माइक्रो सिलेक्ट करते हैं और रन कर देते हैं, हमारा माइक्रो चला जाता है। ठीक है, तो
ऐसे क्योंकि मुझे दिन में कई बार जो होता है मेरे काफी टाइम से भी होता है, तो रिपीटेड वर्क जहाँ ऐसा काम एक रिपोर्ट बनाने में घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक टाइम लगता है, ऐसे रिपोर्ट्स को आप ऑटोमेट आसानी से कर सकते हैं, इज पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसे काम जिसके लिए आपको वीबीए मैक्रो मतलब कि एक बार आया है, इन फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, उस समय वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का एक करने से बेटर है कि आप नॉर्मल करें। ठीक है, हो गया। दूसरा आता है लेंदी वर्क, ऐसा काम जो एक बार ही आया है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा इसका। एक ऐसा काम आया है जो कि एक बार ही करना है, एक बार ही करना है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है। अगर आप करने बैठ रहे हो तो कई घंटे कई महीने कई दिन लग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ वेबसाइट के लिस्ट आई है, मैंने यहाँ पे लो जैसे ये वेबसाइट का लिस्ट है, मैंने इसको कॉपी कर लिया इंटरनेट से ही, हमने इसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी करके मैं इसको एक्सेल में पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, अभी क्या है कि वेबसाइट का लिंक तो आ गया लेकिन लिंक इनकम्प्लीटेड है। जैसे ये तो चलो ठीक है, जैसे .com आ रहा है, लेकिन इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट .com अकाउंट तो क्या है, .co.in क्या है, तो इसकी बहुत सारे मेल आईडी नहीं है, मतलब वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इसकी कंप्लीट आईडी नहीं है। कंप्लीट आईडी कहाँ पे है, इसकी हाइपरलिंक में। तो अगर मैं मैनुअल एक्सेल का इस्तेमाल ना करूं, अगर एक्सेल का इस्तेमाल हम ना करें तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक में करने के बाद इसके एडिट हाइपरलिंक, और फिर जाके इसका लिंक लिंक को कॉपी करना पड़ेगा और इसके बगल में पेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको 10,000 20,000 लाख ईमेल आईडी लिस्ट आई हुई है, तो क्या लगता है, कितने मान लो 10,000 ही लेके चलते हैं, 10,000 डेटा का लिस्ट है, तो 10,000 डेटा लिस्ट आप कितने दिन में कर पाएंगे इसको राम जी? हाँ, 5,000 मिनट तो चाहिए, सही बोला। अब यहां भी क्या है, काम एक ही बार का है, दूरा नहीं करना है, लेकिन 5,000 मिनट कई घंटे होंगे, जोड़ लेते हैं एक बार, इक्वल 5,000 डिवाइड बाय 60, 83 घंटे, मतलब 3 दिन, 8 8 घंटे का शिफ्ट है आपका, मतलब कि 10 से 11 दिन आप कंटिन्यू ऑफिस में 8 घंटे यही करते रहे तब तो जाके काम सॉल्व होगा आपका, क्या सर? अब चलिए इस काम को हम विथिन, अब इस काम को हम विथिन सेकेंड में कैसे करते हैं, देखिए ब्यूलोसी में गया इंसर्ट, विथिन सेकेंड नहीं विथिन मिनट कर सकते हैं, विथिन सेकेंड को ज्यादा बोल दिया, इंसर्ट मॉड्यूल्स सब फंक्शन होगा ना, हाँ फंक्शन बना लेते, फॉर्मूला बना लेते हैं, फंक्शंस URL ब्रैकेट एंड एज ए रेंज, और फिर URL इक्वल टू n डॉट हाइपरलिंक डॉट एड्रेस।
अब बताइए सर। प्रणाम जी। तो बोलिए सर। देखिए कोड तो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए तो हमें कोड सीखना पड़ेगा ना। हम तो आपको बता रहे हैं बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स को समझिए ना। अब कोड समझेंगे तो फिर इसके लिए प्रोग्रामिंग सिखानी पड़ेगी, और प्रोग्रामिंग सीखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने उस काम को कर लिया। तो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि आपके पास ऐसा काम जो बार बार करना है तो वीवी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा काम जो एक ही बार करना है लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो वीवी के लिए सोचेंगे। समझ गए? मैं आपको ये बता रहा हूं कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग हम कब कब यूज करने की सोचेंगे। अब क्या होता है ना कि आपको वीवीएम सिखाने लगेंगे तो आप बोलेंगे हर काम मैं वीवीए से कर लूं, लेकिन हर काम वीवीए से करने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन प्रॉब्लम के बारे में आपको मैं समझा रहा हूं। समझ गया ना? मतलब कि आपके पास पिस्टल भी है और आपके पास रॉकेट भी है। तो आप कहने का मतलब है कि जहां एक आदमी को मारना है तो आप पिस्टल की रॉकेट क्यों यूज करोगे, पिस्टल यूज करोगे ना। सेम थिंग कि अगर आपके काम के अकॉर्डिंग ऐसा काम जो नॉर्मल एक्सेल से आसानी से हो जाता है तो फिर वीवीए का रॉकेट क्यों लॉन्च करोगे आप? समझ गए? क्योंकि वीवीए का रॉकेट लॉन्च करने में टाइम का खर्चा है, तो खर्चा क्या करना, हमें तो बचाना है। इसे सिंपल, इस चीज समझाने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताया, इसलिए इस चीज आपको समझाई ताकि आप वीवी का इस्तेमाल करने की सोचे। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि कैसे होगा, एक्सेल के थ्रू होगा या वीवी के थ्रू होगा। तो हम लोग वीवी की तरफ आसानी से दिमाग चला जाता है, लेकिन हम वीवी इस्तेमाल करते समय उन चीजों को भूल जाते हैं जो कि मैंने अभी ये चीजें बताई, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक है? जी क्या बोल रहे हैं सर? अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवीएम आपको। अब वीवीएम आपको की लर्निंग के लिए क्या प्रिपरेशन करना है? तो सबसे पहले आप जितने भी मेनू बार के आपके आइटम्स हैं, और जो आप काम करते हो वही प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम मतलब नहीं समझे, कंप्यूटर की भाषा में हर एक काम जो आप जो इवेंट करते हैं, जो भी आप प्रोसेस करते हैं, उसको प्रॉब्लम समझता है। समझे? अपना प्रोग्रामिंग भाषा में प्रॉब्लम समझते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वीवीएम को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि आपको हर बार अनेबल करना पड़ेगा माइक्रो को। दूसरा चीज है कि वीवीए माइक्रो के लिए आपको पहले एनालाइज प्रोग्रामिंग करने कुछ पार्ट है ना, एनालाइज समराइज एल्गोरिथम कोडिंग टेस्टिंग देन अप्लाई। तो जैसे सिंपल कोई काम सिंपल तरीके से हो जाती है तो उसके लिए हम पहले सोचेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे, फिर कोड लिखेंगे। जितना टाइम में सारी चीज करेंगे उतना देर में तो हम मैनुअल कर लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा काम है जो कि इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है तो हम करेंगे, जैसे कि अभी एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। समझ गए? क्लियर है आप लोगों सर? तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करने से पहले इन चीजों पे एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। एक मिनट। हाँ नीरज जी। हाँ, वीवी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल तक। जरूर 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 जरूर। हाँ बिका, आज बताइए आप क्या पूछ रहे थे। सॉरी नीरज जी का फोन आ गया था।
देखिए VBA इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, VBA जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये एक फैक्ट्री है, और माइक्रो उसका प्रोडक्ट है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि बहुत अब चलिए कंफ्यूजन एक है, सही बताया मैंने अभी वही टॉपिक कवर ही करने वाला था। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि VBA माइक्रो मतलब हुआ कि आप जाके कोड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोड किया, इसको VBA माइक्रो कहा जाए, और माइक्रो उसको कहते हैं कि जिसमें माइक्रो में जाके जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम माइक्रो करते हैं, लेकिन ये गलत है। रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसा फीचर्स है आपके पास जो आपके स्टेप्स को कन्वर्ट करता है किसमें, कोड्स में, किसकी कोड में, VBA माइक्रो की कोड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने रिकॉर्ड्स के अंदर गए, सॉरी व्यू के अंदर गए और रिकॉर्ड पे क्लिक किए एंड ओके किया, और इस पे कर्सर रखा, हमने लिखा नेम, रोल एंड मार्क्स, और फिर हमने स्टॉप कर दिया। स्टॉप यहां से कर सकते हैं, तो ये क्या होगा कि जो प्रोसेस हमने किया, जो इवेंट हमने किया, इसको इसने कोड कर दिया। अब इन फ्यूचर में मुझे अगर सेम काम सेम लोकेशन पे करना है तो मुझे जस्ट जाके माइक्रोस्कोप प्ले करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट है, अगर इस माइक्रो की कोडिंग में जाएंगे आप, अगर इस माइक्रो को व्यू माइक्रो में अगर आप एडिट करने जाएंगे तो जो कोड है ये भी VBA कोड ही है, मतलब तो अगर आप खुद से अगर माइक्रो लिखोगे तो भी आप ए कोड लिखोगे, ऐसा ही कोड लिखोगे, समझे। तो रिकॉर्ड माइक्रो एक टूल्स दिया हुआ है जो हमारे माउस और कीबोर्ड के होने वाले प्रोसीजर को कोड में कन्वर्ट कर देता है, किस कोड में, VBA माइक्रो की कोड। आप मैनुअल मैक्रो करेंगे तब भी आप मैक्रो ही बनाएंगे, और रिकॉर्डिंग करके बनाएंगे वो भी मैक्रो ही होगा, अब दोनों एक ही होगा। बात है कि खुद से बनाओगे वो आपकी बनाई हुई हो गई, और जो रिकॉर्ड करोगे वो सिस्टम की बनाई हुई हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों। और VBA क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक भाषा है जिसके जरिए हम एक्सेल से बातचीत करेंगे, मतलब एक्सेल को अपनी बात मनवाएंगे, अपना ऑर्डर देंगे, अपना इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको फलाना फलाना काम करना है, समझे। तो इस हम सिंपल कह सकते हैं कि VBA इज जस्ट कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन यूजर एंड एक्सेल, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश है, जैसे उर्दू है, बंगला है, रशियन है, चाइनीज है, जापानीज है, वैसे हमारा है VBA लैंग्वेज है, समझ गए। अब बात यहां पे करते हैं कि जब रिकॉर्ड माइक्रो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर देता है तो हम VBA माइक्रो क्यों सीखेंगे, या तो हम रिकॉर्ड से कर लेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो आपको रिकॉर्ड करके माइक्रो बनाता है वो मोस्टली बहुत ही कम फीचर्स को फॉलो करता है, जैसे कंडीशंस, लूपिंग, कनेक्टिविटी, ये सब चीजों पे नहीं चलता, सिंपल मतलब ये बेसिक चीजें कर देता है, बट डायनेमिक ही एडवांस ये चीजें नहीं कर पाता। इसके लिए आपको VBA प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, लेकिन VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग लर्नर के लिए, रिकॉर्ड जो माइक्रो है वो लर्नर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए आपको कॉपी करने का कोड भूल गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं है, तो जस्ट रिकॉर्ड द माइक्रो व्यू द कोड। आपको फिल्टर करने का, पिवट करने का, शॉर्टिंग करने का कोड जो है नहीं पता है, तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्ड कर, समझे। तो ये आप लर्नर के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि अगर आप VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग को लर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड, कौन सा फंक्शंस किसके अंदर बिलोंग करता है। जैसे कि मुझे अगर कंट्रोल ए करके डेटा सेलेक्ट करनी हो तो हम लोग जस्ट कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, लेकिन कंट्रोल ए जो हम प्रेस करते हैं ये फीचर्स कहाँ बिलोंग करता है, तो ये फीचर्स बिलोंग करता है
फाइनेंस सेलेक्ट के गो यहां करेंट रीजन, क्योंकि जब वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो हम करेंट रीजन देंगे ना कि कंट्रोल ए देंगे, राइट तो सबसे पहले होना चाहिए। तो आप एक बार क्या करें, एक बार जितने भी मेनू बार है उस मेनू बार का एक बार आप उसका मुआयना करें, ठीक है। एक बार हर एक ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख ले और जहां पे कंफ्यूजन है उसको एक बार रिसर्च कर ले या मुझसे पूछ ले, तो ये आपको आगे चल के सही रहेगा। समझ गए सर? ठीक है सर। और उसके बाद आपको थोड़ी सी बेसिक वीवीए की नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, एक वेबसाइट है excel-vva.com। मैं इसको बराबर शुरुआती दौर में बराबर देखा था और वीवीए की एबीसीडी हमको यहीं से मिला था, ठीक है। excel-vva.com सर्च पे क्या आ रहा है? लेवल थ्री क्या इंस्टॉल हो गया? एक मिनट दीजिए। excel-vva.com वेबसाइट तो था ही, कुछ दिन पहले तक तो वेबसाइट था। एक मिनट दूसरे ब्राउजर पर देख रहा हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्यों हो गई। लेवल थ्री सर्च लेवल थ्री मैंने excel-vga.com नहीं है सर, काफी सालों से इस साइट को पढ़ रहा हूँ। मिस्टर एक्सेल की साइट है आगे। हो सकता है ये डिडायरेक्ट हो रहा है ना इस पे लेवल थ्री डॉट कॉम पे।
नहीं ये तो वो अच्छा था, उसमें ग्राफिक्स की मदद से अच्छी तरह समझाया हुआ था। ये तो नहीं है उतना, सिक्वेंसली था और अच्छा था। ठीक, कोई बात नहीं, मैं वीवी की बुक्स आपको मैं दे दूंगा, आप वीवी का बुक्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम टाइप ऑफ माइक्रो को इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्डिंग माइक्रो में एडिट कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम।